वजीर पीसी वेलफेयर व सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा कि इस्तेफादा कुनिंदगान को डबल बेडरूम मकानात के अलाटमेंट के जरिए जाती मकान के गरीबों के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जा रहा है। उन्होंने करीमनगर जिले के कमानपुर इलाके में कलेक्टर आर वी कर्णन के साथ 67 डबल बेडरूम मकानात इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए। इस मौके पर मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि जिले में अपनी नौयत के अनोखे प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर कमानपुर के रहने वालों में मकानात तकसीम किए गए। उन्होंने रामलोपल्ली की आवाम को मशवरा दिया कि वो अपने मौजूदा मकानात को खाली करते हुए उनको अलाट करदा डबल बेडरूम मकानात का कब्जा हासिल करें। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि डबल बेडरूम मकानात को फरोख्त करना या उनको किराए पर देना एक जुर्म है। वजीर मौसूफ ने कहा कि ऐसे अफराद जिन्हें मकानात हासिल नहीं हुए हैं उन्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में तमाम अहल अफराद को मकानात अलाट किए जाएंगे। गौरव मुख्यमंत्री गारू केसीआर गारू निरुपेदलेवरिकी भूमि कोनालन्ना डब्बुलुंडवु भूमि उन्ना इल्लु कट्टुकोवालन्ना डब्बुलुंडे पस्ट लेदु निरुपेदलु निरुपेदलकु ताने ओक तंड्रिगा उंडि निरुपेदलकु ताने ओक दैव स्वरूपंगा उंडि भूमि नेलैस्ता ప్రభుత్వ భూమి ఇస్తది ప్రభుత్వమే మీకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టిస్తామని చెప్పి హామీ ఇవ్వడం కాకుండా ఈ రోజు కరీంనగర్ జిల్లాలో ప్రప్రథంగా కరీంనగర్ జిల్లాలో కొత్తపల్లి మండలంలో ఈ రోజు సుమారు 67 మందికి 67 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను కూడా ఈ రోజు మనము ప్రారంభించుకుంటున్న వాళ్ళకి ఈ రోజు గృహ ప్రవేశం కూడా చేసినందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి అందరి తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము।